आज के समय में इंटरनेट पे सर्फिंग हर कोई करता है। जैसे कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है तो कोई व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, कोई इंस्टा यूज़ कर रहा है तो कोई ट्विटर यूज़ कर रहा है। लेकिन किसी का अकाउंट ब्रांडेड होने से उसे स्पॉन्सर्स मिलते हैं और वे अपने उसी ब्रांडेड अकाउंट से कुछ पैसे जनरेट कर पाते हैं। कोई यूट्यूब से पैसे कमाता है तो कोई ट्विटर से भी पैसे कमाता है, कोई इंस्टा से भी पैसे कमाता है तो कोई फेसबुक से भी पैसे कमाता है। लेकिन इनमें काफ़ी कॉमन चीज़ ये है कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ये किसी किसी के साथ होता है। जैसे कि जो लोग नए होते हैं उनके साथ, जैसे कि मेरे साथ कुछ ही दिनों पहले एक ऐसा फ्रॉड हुआ था जिसे मैंने खुद भी एक्सप्लेन करने को सोच लिया था। लेकिन यार ये फ्रॉड मेरे साथ तो क्या हर किसी के साथ इस टाइम पे हो रहा है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। क्योंकि यार ये लोग एक स्कीम बनाए हुए हैं कि हर वो नए यूट्यूबर को झस सकें और उनसे कुछ पैसे ऐड सकें। इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन आज अभी मैं जिस वीडियो को बना रहा हूँ ये मेरे साथ हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें और आपके भी कुछ पैसे बिल्कुल भी ना फंसें। और ये यूट्यूब की जो एक गाइडलाइन के अंदर आता है, हर यूट्यूबर का एक अपना सपना होता है कि उसका चैनल और उसका ब्रांड जो भी हो काफ़ी अच्छे से फेमस हो और कंपनी उसे स्पॉन्सर प्रोवाइड करे। अगर आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं तो उसके काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, फिर भी जो स्पॉन्सर्स मुझे मिलते हैं उससे मैं बिल्कुल खुश रहता हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा आपको बोरिंग ना लगे तो सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। ये बात है आज से 2 महीने पहले की। मेरे चैनल पे मैंने एक लाइक ऐप का प्रमोशन किया हुआ था। कंपनी ने खुद मुझसे कहा था कि आप मेरे जो है लाइक ऐप को अपने चैनल पे प्रमोट करो, हम उसके CPI से पैसे देंगे। CPI का पूरा नाम होता है कॉस्ट पर इंस्टॉल। इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार से हमारे व्यूअर्स उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे उस प्रकार से हमें पैसा मिलेगा। मैंने इस टाइप के वीडियो पे पहले भी काम करा हुआ था तो मैंने इनके जो है स्पॉन्सर मान लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले विडलाइक ऐप का प्रमोशन अपने चैनल पे किया हुआ था जिसके मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिल गए थे। और उस वीडियो पे 15,000 व्यूज़ आए थे जिसपे क्लिक 1498 हुए थे, इंस्टॉल 220 हुए थे, उसके पूरे मुझे $25 में $25 बना था जो कि इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करते 2,267 रुपये हुए थे और मुझे विडलाइक के सारे पैसे मिल गए थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद लाइक ऐप का मुझे जो है स्पॉन्सर मिला, मैंने उस पर भी इसी टाइप का वीडियो बनाया और उस वीडियो पे लगभग 5 मिलियन व्यूज आ गए थे। और अभी जब मैंने अपना पेमेंट के लिए उन्हें 1 महीने बाद कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपके सिर्फ 27 इंस्टॉल हुए हैं। भाई अब आप बताओ कि जहाँ पे 15,000 व्यूज पे, लगभग 15,000 व्यूज पे 1400 कुछ क्लिक आ गए थे, 220 इंस्टॉल हो गए थे, तो अभी यहाँ 5 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ 27 ही इंस्टॉल हुए हैं। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने सोच लिया कि मुझे अब लाइक ऐप के साथ काम नहीं करना है। लेकिन यार यहाँ स्पॉन्सर की बात चल रही थी तो मैंने सोचा कि काफ़ी इस टाइम पे स्पॉन्सर्स पे लोग ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी लोग स्पॉन्सर के लिए काम कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर में फ्रॉड भी होते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो गलत लगता है तो बेशक आप इसे डिसलाइक करें, कमेंट में जाके गाली देना है गाली दें, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटो है कि आप लोग अगर यूट्यूबर हो तो बिल्कुल जहां भी आप लोग कदम रखो बिल्कुल फूंक फूंक के रखो, क्योंकि यार यहां पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं। अभी मुझे एक्सपीरियंस 1.5 से 2 साल का है फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया, क्योंकि मैं इस फील्ड में नया नया आया हुआ था उस टाइम पर, मुझे स्पॉन्सर भी पहली और दूसरी बार मिला था तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था। और आप कैसे बच सकते हैं इससे आप वीडियो बनाने से पहले ही अपने पेमेंट ले सकते हैं और उस पेमेंट को डायरेक्टली आप अपने पेपल अकाउंट से मंगवा सकते हैं। आप अभी वीडियो को बनाएं फिर उस वीडियो को अनलिस्टेड करके आप उनको फॉरवर्ड करें, वो वीडियो चेक करेंगे, आपके पैसे को आपके अकाउंट में डाल देंगे, उसके बाद से आपको तो आपके पैसे मिल जाएंगे। और देखो यार अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं कॉपीराइट फ्रॉड पे एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद।